टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले यूएसए से हार कर अपनी फजीहत कराई, उसके बाद भारतीय टीम के खिलाफ भी जीता हुआ मैच हार कर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, और फिर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होकर पाकिस्तान की टीम पर भी कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। और अब रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की टीम के कोच गैरी कस्टन के ड्रेसिंग रूम में भड़कने पर पाकिस्तान क्रिकेट में भी खलबली मच चुकी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी गैरी कस्टन के बयानों की बाढ़ आ गई है, जिसमें पाकिस्तान की टीम को लेकर कई तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। इन सभी दावों की माने तो गैरी कस्टन ने ड्रेसिंग रूम में गुस्सा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम में कोई एकता नहीं है। वे इसे टीम कहते हैं लेकिन ये टीम नहीं है। वे एक दूसरे का समर्थन नहीं करते हैं। हर कोई अलग थलग है। सब सिर्फ अपनी ही चलाते हैं। मैंने कई तरह की टीमों के साथ काम किया है लेकिन मैंने किसी भी टीम की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी है। आपको याद दिला दें कि गैरी कस्टन वही कोच हैं जिनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने 2011 में विश्व कप की ट्रॉफी जीती थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करते हुए गैरी कस्टन का एक्सपीरियंस भी कुछ खास काम नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि गैरी कस्टन ने ड्रेसिंग रूम में गुस्सा करते हुए ये सभी बातें बोली थी। रविवार को पाकिस्तान की टीम ने आयरलैंड को हराया, उसके बाद एक ब्रीफिंग सत्र के दौरान गैरी कस्टन ने ये सब कुछ बोला है। हालांकि ये बात तो साफ है, पाकिस्तान की टीम में एकता की कमी नजर आती है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान क्रिकेट में भी काफी उथल पुथल मची हुई थी। ये भी इस चीज का एक बड़ा कारण हो सकता है। कई पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे वसीम अकरम ने भी टीम में एकता ना होने के संकेत दिए थे, और वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की मांग भी की गई थी। बात अगर गैरी कस्टन की करें तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने किसी भी तरह का बयान मीडिया में दिया हो, और ना ही वो कोई सोशल मीडिया चलाते हैं जहां पर वह ऐसा कुछ पोस्ट कर सकें। वहीं पाकिस्तान की टीम की भी बात करें तो अमेरिका से सुपर ओवर में हारने के बाद पाकिस्तान भारत से भी एक क्लोज मुकाबला हारी, उसके बाद पाकिस्तान की सुपर 8 में क्वालिफाई करने की उम्मीदें आयरलैंड और अमेरिका के बीच मैच में आयरलैंड के जीतने पर निर्भर थी, लेकिन वह मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और अमेरिका ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया। उसी के साथ ही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से भी टाटा बाय बाय हो गया। इसके बाद पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में अपने बेहद खराब और लचर प्रदर्शन के कारण कई पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों और दिग्गजों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।